ये देखिए, इस मिठाई को देखकर कोई बता सकता है कि ये हमने घर पे बनाई है? बिल्कुल हलवाई जैसी लग रही है ना, साथ ही में टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोहन थाल की बहुत ही अलग रेसिपी। यूजुअली जब मोहन थाल बनाया जाता है तो उसमें ढेर सारा घी का यूज़ किया जाता है और साथ ही में मावा यानी खोआ का भी यूज़ किया जाता है, तो हम इसमें कम घी में इसको बना लेंगे और साथ ही में बिना खोआ यानी मावा के हम इसको बनाने वाले हैं। ऐसे टाइम में जब हम बाहर की मिठाइयाँ नहीं खा पा रहे हैं और हमारे पास सामान भी लिमिटेड है, आप इस रेसिपी से घर पर ही बिल्कुल टेस्टी मिठाई हलवाई स्टाइल की तैयार कर सकते हैं। और मोहन थाल बनाने में जो दिक्कत आती है, या तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जमता नहीं है, हलवे जैसा हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बट ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेसन। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल वाला ही बेसन यूज़ कर रही हूँ, 1.5 कप के करीब बेसन डाल दिया है मैंने इसमें। कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए, सारे मेजरमेंट उसी से लीजिएगा। अब इसमें हमें लगाना है मोयन, तो उसके लिए हलवाई वगैरह जो होते हैं वो घी का यूज़ करते हैं, तो हम कम घी में बना रहे हैं। और इसका ऑल्टरनेटिव है, अगर आपके पास घर में जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मलाई ले ली है, मलाई को अच्छे से फेंट लिया है और उसके बाद मैं 3 चम्मच के करीब मलाई में इसमें अभी डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से हमें क्रम्बल करना है। इसका आटा नहीं लगाना है हमें, इस तरह से हमें क्रम्बल करना है जिस तरीके से हम मोयन लगाते हैं, इस तरीके से। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मलाई और डाल रही हूँ और इसको अब अच्छे तरीके से हम मोयन इसका लगा लेंगे, इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में इसको रगड़ेंगे। ऐसा करने से ये जो हमारा बेसन है ये दरदरा जैसा हो जाएगा, जैसा कि रवा होता है, यानी कि जैसे सूजी होती है वैसा टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो ये देखिए, मोयन अच्छे से लग गया है और ये एकदम बढ़िया दरदरा हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ और इतनी मलाई इसमें से अभी बच गई है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आप ले लीजिए कोई भी एक चलनी, ध्यान रखिए चलनी मोटी वाली होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक वाली चलनी यूज़ नहीं करनी है। और इसकी सहायता से अब हम ये जो हमने बेसन बनाया है इसको हम छान लेंगे। चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से जो बची हुई गुठलियाँ हैं वो हम फोड़ लेंगे, ये आसानी से पूरा छन जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा बेसन छन के तैयार हो गया है और ये बिल्कुल अब रवे जैसा दिखने लगा है। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इस तरह का ये होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन गरम होने रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप के करीब घी। ये शुद्ध देसी घी है, इसी का यूज़ कीजिए अगर आपको बिल्कुल हलवाई जैसा अच्छा टेस्ट चाहिए तो। और अब इसके अंदर अपना तैयार किया हुआ बेसन हम इसमें डाल देंगे और इसको अब हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे ही इसमें से घी अलग होने लग जाएगा। इसको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे बेसन भुनता जाता है वैसे वैसे उसमें से घी रिलीज होने लगता है और जब आप इसमें बेसन मिलाएंगे तो उस टाइम आपको लगेगा कि बहुत ड्राई है, घी सारा इसमें सोख कर लिया है, बट चिंता मत करिए, जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे घी अपने आप छोड़ने लग जाएगा। देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है, इसे हमें बढ़िया गोल्डन करना है। हमें इसका जो कलर है बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा पार्ले जी बिस्किट का होता है, उसी तरह का कलर हमें इसके अंदर लेकर आना है। तो जब बेसन भुन जाएगा उस टाइम पर बेसन में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी, साथ ही घी रिलीज़ हो जाएगा और इसे मिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही हल्के हाथों से ये मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह का बिल्कुल बढ़िया सा कलर आना चाहिए इसके अंदर और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। इस प्रोसेस में 6 से 7 मिनट के करीब मुझे लगे हैं। तो बेसन के भुनने के बाद में गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे अब साइड में रखेंगे। अब सेम गैस पर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया एक पतीला और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी यानी कि शुगर डाल रही हूँ मैं और हमें इसकी चाशनी बनानी है। 1/2 कप मैंने चीनी ली है तो 1/2 ही कप मैं इसमें पानी डालूँगी। अब गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और अच्छे तरीके से चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। तो जब तक ये शक्कर मेल्ट होती है तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा हो और इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ,
उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए, इसमें अब जो हमने शुगर डाली थी, शक्कर डाली थी, वो मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर ले लिए हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालिए, नहीं हो अगर आपके पास अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये केसर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और तो इसको भी अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही पूरी शक्कर मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और हमें एक तार की चाशनी इसकी बनानी है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। और इसको चेक करने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे और उसमें थोड़ी सी हम चाशनी गिराएंगे। इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे जब तक इसको चलाते रहेंगे हम। और इस तरह से आप उंगली और अंगूठे के बीच में जब इसको रखेंगे, ये देखिए एक तार निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा। बस इस कंसिस्टेंसी पर हमको इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। अब ये जो हमने कढ़ाई में हमारा मोहन थाल का मिक्सचर है, गैस की फ्लेम को हम इसके नीचे चालू कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल कम रखना है। और इसके अंदर हम ये अपनी चाशनी मिला देंगे और इसको जल्दी जल्दी से हम चला देंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मिक्स हो गया है और ये अपने आप ही पैन छोड़ने लग जाएगा। अब इसमें इस टाइम पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई इलायची का पाउडर और इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इस मोहन थाल को और ज़्यादा परफेक्ट और एक टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसके अंदर मलाई और डाल रही हूँ, जो हमने मलाई शुरू में बचा ली थी। तो ये 2 चम्मच के करीब मलाई मैंने इसमें और डाल दी है और इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो हलवाई वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस मोहन थाल के अंदर मावा यानी कि खोआ का यूज़ करते हैं। अब हम इसे बिना खोआ के बना रहे हैं, बिना मावा के बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर मलाई का यूज़ किया है। इससे हमारा घी भी कम लगेगा और साथ ही में मावे का टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये पैन छोड़ने लगेगा हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, पास से आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, एकदम दानेदार हो गया है। तो ये गैस की फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक बर्तन लेकर उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। आप चाहो तो ऐसे ही ग्रीस करके भी इसको जमा सकते हैं, बटर पेपर से निकालने में आसानी होती है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी और उसके बाद ही जो हमारा मिक्सचर है ये इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे और किसी चमचे या स्पैचुला की सहायता से इसको हम चिकना कर लेंगे ऊपर से। तो ये देखिए, अच्छे से चिकना हो गया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सिल्वर वर्क यानी कि चांदी का वर्क लगा रही हूँ। अगर आपके पास में ओरिजिनल हो तो ही यूज़ कीजिएगा। इसको ख़रीदने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपली ड्राई फ्रूट से भी इसको सजा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम। इसके ऊपर 2 ही ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, बादाम और पिस्ता। आपके पास जो घर में अवेलेबल हो वही यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉप किए बादाम डाल दिए हैं और साथ ही में थोड़े से मैं पिस्ता डाल रही हूँ। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं इनको चिपकाने के लिए इसको थोड़ा सा टैप करेंगे इस तरीके से, जिससे कि इस पर अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। अब इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा होने तक इसको आप रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो ये थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, इसलिए आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही अपने आप ठंडा होने दीजिए। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है। इसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं ठंडा होने में। तो इसके बाद में इसको अब हम इसमें से निकाल लेंगे। देखिए, ये बटर पेपर लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आसानी से निकल जाती है। इसके बाद में इसको अपने पसंद के शेप में आप काट लीजिए, जैसे भी आपको पसंद हो। आप लंबाई में काट सकते हैं, मैं इसे स्क्वायर में काट रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए, काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है। बिल्कुल परफेक्ट ये मोहन थाल बनके तैयार हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बना है। और मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ इसको तोड़ के। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है। और ये लीजिए, हमारा मोहन थाल बनके तैयार है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करके। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।